सिक्योरिटी कीप स्टॉपिंग। तो गैस मुझको प्रॉब्लम आया, मेरा रेडमी का मोबाइल है तो वहाँ पर मुझको ये प्रॉब्लम जो है इतना दफ़ा आ रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। यहाँ पर हर मिनट के अंदर 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा ये नोटिफिकेशन बार बार मुझको आ रहा है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, सिक्योरिटी कीप्स स्टॉपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे आपका रियलमी का हो, वैसे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम MI यानी कि रेडमी मोबाइल में हो रही है। तो आपका कोई भी सेट हो, अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कैसे सही करेंगे, काफ़ी सारा वीडियो मैंने देखा उसमें बहुत सारी सेटिंग्स बता दे रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा था। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, बस आप एक मिनट के अंदर अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे और ये दोबारा कभी भी आपके मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है उसी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला है। तो सिंपली आपको कुछ सेटिंग्स करने हैं, उस सेटिंग को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चलना अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो आपको मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपका रेडमी मोबाइल होगा तो आपका सेटिंग जो है सेम टू सेम देखने को मिलेगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको ही करना है। तो यहाँ पर आपको मिलता है डेवलपर क्या बोलते हैं सिस्टम सेटिंग, एडिशनल सेटिंग आपको मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए डेवलपर ऑप्शन आप में है या नहीं। तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मुझको मिल गया। अब आपको चलना है ऐप्स में, ऐप्स में आने के बाद आपको चलना मैनेज ऐप। तो मैनेज ऐप में आने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेगा, उसके बाद काफ़ी सारे एप्लीकेशन जितने सिस्टम में आपके होंगे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, वो क्या है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको स्क्रॉल करके ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना वरना तो आपका काम बिगड़ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है सिक्योरिटी, जैसे आप सिक्योरिटी सर्च करेंगे तो एक एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे आपको फोर्स स्टॉप अनइंस्टॉल अपडेट क्लियर डाटा, तो आपको अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर पहुँच जाइए, उसके बाद अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, तुरंत ये एप्लीकेशन हट जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सब कुछ ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा।